नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ डायंथस प्लांट को कैसे हम नेक्स्ट सीजन के लिए बचा कर रखें। तो अभी मैं छत पर आई हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा धूप अभी हो रही है और हमारे यहाँ 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहे हैं तापमान। तो यहाँ देखिए ये मेरे पिंटास को देखिए कितनी बुरी हाल है इनकी। ये देखिए फूलों से लदा हुआ है, फिर भी इनके जो फूल हैं ये खराब हो रहे हैं, झुलसा जा रहा है और क्या कह रहे हैं, बहुत गर्मी है और मेरे कोई यहाँ पर शेड भी नहीं है, ये बिल्कुल खुली छत पर ही हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखते हैं कैसे चलते हैं फिर ये सीज़न। ये देखिए ये मेरे डायंथस के प्लांट्स हैं। यहाँ पर मेरे पास ये 3 पॉट में मैंने 6 प्लांट को लगा रखा है और इसकी मैंने प्रोपोगेशन भी की थी ब्रांच लगाकर, तो वो भी चल गए हैं। 5 कटिंग्स लगाई थी तो ये सारे चल गए हैं। तो अभी देखिए ये प्लांट की हम सीड्स को भी रख सकते हैं। ये देखिए ये वाले जो स्टॉक निकला हुआ है तो इसे हमें कट कर देना है अभी, क्योंकि ये सारे एनर्जी जो होते हैं प्लांट के तो ये उससे सोक करते हैं, तो इसको हमें निकाल लेना है। पहले तो इसको निकाल लेना है क्योंकि अगर हम बीज कलेक्ट करने लगें तो फिर ये प्लांट की ग्रोथ फिर रुक जाएगी। मैंने भी ये बहुत दिन हो गए इसकी थोड़ी सी भी प्रूनिंग या कटिंग नहीं की है। ये जो सारे स्पेंट फ्लावर है इसको मैंने कट नहीं किया है, तो इसलिए थोड़े से प्लांट भी अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और ये देखिए बहुत सारे इनमें स्पेंट फ्लावर हो गए हैं, तो इनमें से मैं सीड को भी कलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये देखिए बहुत बहुत सारे स्पेंट हो गए हैं फ्लावर। तो पहले मैं इनको निकाल लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये बहुत सारे फ्लावर है, अभी इनको निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाएगा फिर और वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो पहले मैं ये सारे स्पेंट फ्लावर को कट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों ये देखिए मैंने ये सारे जो प्लांट्स हैं इनके स्पेंट फ्लावर को कट करके निकाल लिया है और यहाँ देखिए ये इतने सारे स्पेंट फ्लावर मिले हैं मुझे। और यहाँ पर देखिए ये कुछ काले काले से शायद सीड्स हैं। मैंने इनकी सीड्स कभी हार्वेस्ट नहीं किया है तो मुझे मालूम नहीं है ये क्या है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये सारे प्लांट को साफ सफाई तो कर ली है, पर यहाँ पर देखिए ये प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने एक कटिंग लगा दी थी, यहाँ देखिए एक कटिंग लगा दी थी तो ये भी चल गई है। तो कटिंग लगाते रहना चाहिए बस, ताकि प्लांट कभी हमारे पास से ना जाए। और आज मैं इनकी थोड़ी सी अभी गुड़ाई कर लूँगी और गुड़ाई के बाद इनमें 2 ऑर्गेनिक खाद दूँगी और 2 केमिकल खाद दूँगी, ये देखिए। और इनमें देखिए मैंने सुबह पानी दी थी तो पानी अभी है, इनमें मॉइस्चर है मिट्टी में, तो अभी पानी अगर मैं ना दूं तो भी चलेगा। दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मुझे 2 बार पानी देना पड़ रहा है अभी प्लांट्स को। एक बार सुबह देती हूँ, फिर शाम को 5 बजे 6 बजे तक फिर से एक बार देना पड़ता है मुझे पानी, और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण पानी देना ज़रूरी हो जाता है, सावरिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों ये सारे प्लांटर्स को मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लूँगी, एकदम हल्के हल्के गुड़ाई कर लूँगी। ये देखिए इनमें छोटे छोटे अभी बीड्स उग रहे हैं तो ये भी ठीक हो जाएंगे, अभी खराब हो जाएंगे, ये देखिए ये निकल जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करते रहना चाहिए इसलिए ये बीड्स को निकालने के लिए। देखिए
गुड़ाई कर ली है मैंने, और अभी इनमें मैं दूंगी ये देखिए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अभी बहुत अच्छा होता है, ये ठंडी खाद होता है, तो गर्मी में वर्मी कंपोस्ट देना ज़्यादा अच्छा होता है गोबर की खाद देने से। और इसको फिर अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखिए मैंने एक एक पॉट में दो दो प्लांट लगाए हैं और ये बहुत घना भी हो गए हैं प्लांटर में ये प्लांट। अगर ये सिंगल पॉट में रहते तो बहुत अच्छे ग्रोथ पर आते थे। और दूसरा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो है नीम केक पाउडर, एक एक चम्मच हर प्लांटर में, ताकि कोई फंगस का प्रॉब्लम ना रहे। और अभी आते हैं तो केमिकल खाद के बारे में। ये देखिए ये है रेड पोटास, एकदम छोटे एकदम 2 ग्राम के करीब होगी ये। ये देखिए एकदम थोड़े से ही देना है, केमिकल फर्टिलाइजर हमेशा कम ही देना चाहिए। और यहाँ पर आते हैं तो ये है DAP के दाने, एकदम छोटे छोटे से हैं तो थोड़े से उसी हिसाब से मैं दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए बस यही खाद देना है, और इसको अच्छी तरह से पॉट के चारों तरफ दे देना है। ये देखिए एकदम घना हो गया है प्लांट, देखिए, और अच्छी तरह से मिलाकर चारों तरफ कर देना है प्लांट के। डायंथस एक परमानेंट प्लांट की तरह ही होता है, अगर थोड़ी सी हम केयर करते हैं तो ये हमारे गार्डन में 2-3 साल तक तो रह ही जाता है, और हम प्रोपोगेट अगर करते रहते हैं तो ब्रांचेस से, तो ये फिर आप जब तक चाहें अपने गार्डन में इसको रख सकते हैं। थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत होती है बस, इनको अगर मैं थोड़ी सी पार्शियल शेड में रख दूँगी तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, तो मेरे पास तो पार्शियल सेट वाला एरिया कुछ है नहीं, तो ऐसे ही ये खुले छत पर है, और देखते हैं कितने दिन तक ये मेरे छत पर टिक पाते हैं। ये देखिए, और बस इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई है, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये प्लांट, अभी बिल्कुल साफ सुथरा लग रहे हैं, तो होपफुली ये अच्छी ग्रोथ पर आ जाएंगे फिर से और ढेर सारे फ्लावरिंग मुझे देंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जगन्नाथ।